बाबा सिद्दीकी जी कितने भाई थे और कितने उनके बच्चे हुए हैं, कुछ बताएंगे? बाबा सिद्दीकी तीन भाई थे। बाबा सिद्दीकी भाइयों में सबसे बड़े थे, दूसरे भाई रियाज सिद्दीकी थे और तीसरे अजीत सिद्दीकी थे। बाबा सिद्दीकी के जो है दो संतान हुए, पहला जो एक लड़का और एक लड़की है। लड़का जो है वहाँ पे अभी बंद्रा वेस्ट ईस्ट से सिटिंग एमएलए हैं और लड़की जो है डॉक्टर है शाहजीन सिद्दीकी। दो अन्य भाई हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं? जी दो अन्य भाई हैं, उनके परिवार में जो है एक भाई का जो है दो लड़के और दो लड़की है और दूसरे जो जो थर्ड नंबर भाई हैं उनकी भी एक लड़की और दो लड़के हैं और वे लोग अपना वहाँ पे व्यवसाय का काम करते हैं। अच्छा, जब गांव आते थे, इस मिट्टी से जुड़े रहने का, बम्बे रहने के बाद भी कुछ उनका कोई ऐसा गुण हो जो इस भोजपुरिया मिट्टी से जुड़े रहने का वो नहीं छूटता हो? वो जब भी गांव आते थे तो गांव के सभी लोगों से मिलते थे, जितने भी गरीब असहाय लोग थे सबसे मिलते थे, उनकी हाल चाल जानते थे, उनकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा भी करते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने 2018 में आया इस मांझा में, तो जितने भी बरौली और मांझा के स्कूल के हाई स्कूल के जितने भी बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया का चेक भी दिया और इसके साथ साथ उन्होंने बैग भी वितरण किया और जो है नोटबुक भी वितरण किया। नहीं, कोई एक चीज तो हो गया कि एजुकेशन के तरफ लोगों को अपना है। जी कोई ऐसा पारिवारिक बात जो परिवार से जुड़े रहने का इस जी जब भी वो आते थे तो घर में बैठते थे और जो है वो जो दादा थे हम लोगों के, उनकी बातें कहानियाँ बताते थे कि तुम्हारे अब्बू जो है ऐसे थे, उनको जो है रेसलिंग के लिए हम ले जाते थे, घूमने जाते थे हम लोग। तो ये सब बातें जो है पुराने कहानी जो है बताते थे कि हमारे जो है दादा थे जो चाचा लोग थे वो कैसे रहा करते थे। अच्छा, गांव छोड़कर बम्बे जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया, कौन सी बात आज से 40-50 साल पहले जो है वो गांव छोड़ करके वो बम्बे के लिए हेलो प्रस्थान किए, वो नहीं किए बल्कि उनके पिताजी जब यहाँ से गए, बाबा सिद्दीकी यहाँ से नहीं गए, उनके पिताजी गए और पिताजी जा करके वहाँ पे जो है वॉच का शॉप खोला और उसी शॉप से जो है वो अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करते थे। उसके बाद बाबा सिद्दीकी स्टूडेंट लाइफ से जो है राजनीतिक जीवन में जुड़ा और कांग्रेस से उन्होंने जुड़ा। जुड़ने के बाद जो है 1999 में सर्वप्रथम जो है विधायक बने, 2004 में जो है फिर दोबारा चुनाव जीते तो उनको मंत्री बनाया गया और 2009 में फिर तीसरी बार चुनाव जीते। उसके बाद जो है उनके बेटे जो है अभी बंद्रा ईस्ट से जो है सिटिंग एमएलए हैं। मेरा नाम साहब उन्नीसा है, माझागढ़ से टोली से बोल रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, सबकी मदद करते थे। उनके जब आते थे तो सब किसी को मदद करते थे, देते थे सब कुछ, अपना समझते हैं सब कोई के। बहुत अच्छे आदमी थे वो, इसलिए उनके लिए बहुत आदमी रो रहे हैं लोग, बहुत आदमी परेशान हैं। हम सब देख रहे हैं न्यूज़ में, सब हम लोग देख सुन के आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा है लोग। गरीब आदमी की बहुत मदद करते हैं। मेरे घर के बगल में ही घर है उनकी और सब ठीक ठाक है। अब ये पता नहीं है कि मतलब किस तरह उनको गोली लगा हुआ है। हम लोग तो माझागढ़ से टोली के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वो बम्बे रहते थे, ये मुझे पता नहीं है। मगर हम लोग जब सुने तो बहुत अफसोस की बात है ये। उसके बाद आगे चल के तो हम लोग सुने हैं तो ये सब आदमी परेशान है। नज़दीक होता तो हम सब जाते वहाँ पे, मगर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। बस सुन के आदमी को अफसोस कर रहा है बस। बहुत अच्छे आदमी थे, उनके लिए हर एक आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है। इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो बाबर सिद्दीकी जी हमेशा आते थे क्या? जी जी हाँ, हमेशा आते थे, सबकी मदद करते थे। हम सब भी किए हैं, बहुत गांव अच्छे से माने आदमी हैं। जुड़े रहते थे। हाँ, गांव से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके लिए आदमी सब कोई रो रहा है लोग, अगर पास रहता तो हम सब जाते वहाँ पे। क्या नाम बताएं? बाबा सिद्दीकी, मेरा नाम है साहबुन्नेसा। बाबा सिद्दीकी एक कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे और उनकी हत्या होना एक राष्ट्र के लिए मतलब एक बहुत बड़ी क्षति है। और वैसे व्यक्ति का स्थान लेना, वैसे व्यक्ति की हत्या कर देना, अभी भी हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी थे, जो हमेशा महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के, हेल्थ के और स्पोर्ट्स के बारे में हमेशा सोचा करते थे और आपसी सद्भाव में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। महाराष्ट्र सरकार की ये बहुत बड़ी ये है, चूक है कि उस वैसे नेता की हत्या वहाँ पे महाराष्ट्र में कर दी गई है और एक ऐसे दिन पे उनकी हत्या हुई है जो कि बिल्कुल ही
पटाखों की आवाज़ के बीच में एक प्लान्ड वे में एक जैसे फिल्मों में जैसे कि हत्याएं होती हैं उस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि प्लान्ड वे में जब पटाखों की बीच में पूरा मुंबई ये हो रहा था उसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई ताकि किसी को एहसास ना हो कि कहीं गोली की फायरिंग की आवाज़ का एहसास हो सके और एक सुनियोजित साजिश के तहत ही उनकी हत्या की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम शाह आलम है।